सिर्फ भी टॉक अबाउट द सिटीजन लॉ ओरिजिन कब हुआ था? सेवनटीन सेंचुरी इंग्लैंड में जब लॉ मुलकर ने सोचा कि हमें सिर्फ गवर्नमेंट की गुड ओपिनियन बाहर आनी चाहिए वही सर्वाइव करनी चाहिए तो वहाँ पे सेवनटीन सेंचुरी में इंग्लैंड में आता है इन uh, इंग्लैंड में आता है सिटीजन लॉ क्योंकि गुड ओपिनियन ही बाहर आनी चाहिए एंड बैड जो ओपिनियन है वो डेट्रीमेंटली टू द गवर्नमेंट एंड मनार के तो ये लॉ को इंडिया में अगर देखे ड्राफ्ट किया था सबसे पहले 1837 में थॉमस मोकौले ने लेकिन जब आई पी इंट्रोड्यूस किया गया तो वे वो इसको डालना भूल गए तो इसको किसने किया था एटीन थर्टी थॉमस मोकले दस साल बाद आया याद आया कि अरे हमें तो इंडियंस को चुप करना है तो फिर इन्होंने अलग से अमेंडमेंट uh, करके वन सेक्शन वन कैपिटल ए डाला इन एटीन एंड द अमेंडमेंट इज इंट्रोड्यूस बाई सर जेम्स स्टीफन सो इसको माना गया था एक ड्रैकोनियन लॉ दैट वॉज इन्ैक्टेड कि लोग की वॉइस को दबाया जाए डिसेंट को दबाया जाए उस टाइम जो भी डिसेंट हो रहे थे बहुत सारे फ्रीडम मूवमेंट जो फाइटर्स हैं उनको इसके अंदर बुक किया गया था जैसे जोगेंद्र चंद्र बोस एटीन नाइन्टी वन में इनको बुक किया गया था क्योंकि इन्होंने न्यूज़ पेपर इनका नाम था बंगो इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें एज ऑफ कंसेंट बिल्कुल क्रिटिसाइज़ कर रहे थे जैसे बोल रहे थे रिलीजन को थ्रेट है हमारे रिलीजन को बदल रहे हैं तो इनको इसके अंदर बुक किया गया था जोगेंद्र चंद्र बोस एटीन नाइन्टी वन उनके न्यूज़पेपर बंगोबासी के लिए उन्होंने क्रिटिसाइज किया था एज ऑफ कंसेंटेबल फिर बाल गंगाधर तिलक महात्मा गांधी को बाल गंगाधर तिलक को एंड महात्मा गांधी को 1922 में इस अरेस्ट किया गया था सो so, गांधी को चार्ज किया गया था अलोंग विद द शंकरलाल शंकर लाल बंकर जो प्रॉपर थे यंग इंडिया के शंकर लाल बंकर अगर आज की बात करें तो सीडीशन एक क्राइम है अंडर द सेक्शन 124 कैपिटल ए ऑफ आईपीसी तो जो सेक्शन 124 कैपिटल एटी सेवेंटी में डाला था वो आज भी आईपीसी का पार्ट है सी इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर सेक्शन 124 कैपिटल ए ऑफ आईपीसी इसमें डिफाइन किया गया है सीडियशन क्या है कोई भी ऑफेंस जो कमिट किया गया है या तो वर्ड्स के द्वारा स्पोकन रिटिन साइन विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज ब्रिंग टू ब्रिंग या तो आप हेटर लेके आते हो या कोशिश भी करते हो हेटर लाने की और एक्साइट और टू एक्साइट डिस्ट अफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट स्टेब्लिश बाय द लॉ इन इंडिया उसको बोला जाता है सीडिशन उसमें डिस द गवर्नमेंट सो डिस इंक्लूड डिस एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनमिटी हाउ अर कमेंट्स विदाउट एक्साइटिंग और अटैम्पिंग टू एक्साइट हेटरेड और कंटेम्प्ट और विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर द सेक्शन सो पनिशमेंट की बात करें अंडर दिन ये नॉन वेलेबल ऑफेंस है पनिशमेंट अंडर द सेक्शन वन ट्वेंटी फोर कैपिटल ए इम्प्रेजनमेंट भी हो सकती है तीन साल तक तीन साल से लेकर लाइफ टर्म आपको जेल हो सकता है और फाइन्स भी एड किया जा सकता है और अगर आप सिटीशन जॉब लॉ के अंदर अगर फंस गए तो आप गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते फिर आपको बिना पासपोर्ट के जिंदगी जी बतानी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट सिटीशन से रिलेटेड देर सम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वन इज़ केदारनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार केस नाइनटीन सिक्सटी टू केदारनाथ केस वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार नाइनटीन सिक्सटी टू कोर्ट ने बोला कि अगर आप कोई कमेंट करते हो जिसमें स्ट्रांगली वर्डेड एक्सप्रेसिंग दिस डिसप्रोप्रेशन है फ़ॉर द गवर्नमेंट नापसंदी है फॉर द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट अगर उसमें पब्लिक डिसऑर्डर ख़राब नहीं हो रहा है तो वो पीनल नहीं हो तो उसमें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए मतलब आप जो गवर्नमेंट के एक्शन है उसको पसंद नहीं कर रहे हो आप उसके बारे में बोल रहे हो एक्सप्रेस कर रहे हो अपना डिसप्रोबेशन दैन इट विल नॉट इट विल नॉट बी पीपल इफ नॉट इफ इट इज़ नॉट कॉजिंग एनी पब्लिक डिसऑर्डर देन बलवंत सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब नाइनटीन नाइनटी फाइव केस में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मेरेली आप स्लोगन शाउट करना जैसे खालिस्तान जिंदाबाद इस टाइप के स्लोगन अगर शाउट करें तो इट इज इट डज़ नॉट अमाउंट टू सडिशन तो ये जो सडिशियस लॉ है ये मिसअंडरस्टूड की जाती है एंड जो डिसेंट है उसको मंजिल करने के लिए यूज़ की जाती है दैन वी हैव सेक्शन वन ट्वेंटी फोर कैपिटल ए डील विद